ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से तमाम स्टूडेंट्स को वीडियो एडिटिंग की क्लास नंबर 24 में फोर्टीन क्लास में खुशामदीद कहते हैं। तो आज की क्लास में हम एक नया एप्लीकेशन जो है वो उसके बारे में पढ़ेंगे कि उस एप्लीकेशन में क्या है और कहां पर है और वो हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। जिस उसका नाम है इनशॉट, ये एप्लीकेशन का नाम है इनशॉट, सही है। जब इसको आप ओपन करेंगे तो इसका कुछ इस तरह इंटरफेस सामने आएगा। ये यहाँ से सेटिंग है, सेटिंग यहाँ से इसकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज का सेटअप है, वीडियो एडिटिंग की सेटिंग है, रिस्टोर, क्लियर कैच और ये सब सारे चीज़ें हैं, ये तकरीबन आप लोग जानते होंगे। और ये यहाँ से पालो अस जो है, आप यूट्यूब पर पालो भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सारे चीज़ें सही। लेकिन सेटिंग से इसका कोई ताल्लुक वगैरह नहीं है, तो हम सीधा चले काम की तरफ। जब आप किसी कोई वीडियो लेते हैं सही, तो मतलब आपने जो वीडियो बनाई है, जिस प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया हो, तो वो यहाँ पे आपके पास होंगे। जैसे कि मेरे पास 67 वीडियोस मेरे पास पड़े हैं, मैंने काम किया है उसके ऊपर, तो वो मेरे पास ऑलरेडी जो है वो पड़े हुए। जब भी मुझे कोई ज़रूरत हो दोबारा उसी प्रोजेक्ट पे काम करना हो, तो यहाँ से मैं वो प्रोजेक्ट जो है वो दोबारा ले सकता हूँ, ठीक। और अगर उस प्रोजेक्ट पे मैंने काम नहीं करना हो सही, और मैंने दूसरा नया प्रोजेक्ट बनाना हो, तो मैं यहाँ से न्यू पर क्लिक करूँगा। और न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं कोई भी वीडियो जो है उसको सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ से ओके करूँगा सही। यहाँ पे जो टिक ऑप्शन था यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब जैसे ही हमने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मज़ीद कुछ ऑप्शंस जो है वो देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे सही। तो इसमें सबसे पहले है कनवास। शायद आप लोगों ने देखा होगा कि आपने वीडियोज़ देखे होंगे कि उसके ये सारे जगह जो होते हैं ये वाइट कलर के होते हैं या ब्लैक कलर के होते हैं। कलर तो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर आपने वाइट देखे होंगे सही। तो ये चीज़ जो है ये उस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। देखें आप उसके इर्द गिर्द जो है ये सारे चीज़ जो हैं चारों तरफ ये वाइट हो गए हैं, ठीक। और इसमें यहाँ से आप इंस्टा के लिए भी बना सकते हैं, इंस्टा 4.5 के लिए, यूट्यूब के लिए भी, टिकटॉक के लिए भी, जिस चीज़ के लिए भी आप बनाना चाहते हो, तो यहाँ से उसके लिए साइज़ जो है वो अवेलेबल है हमारे पास। इसको ओके करें। ओके करने के बाद म्यूज़िक का ऑप्शन है सही। अगर आपको चलो ये हम बाद में पढ़ेंगे सही, इंशाल्लाह इस पर हम डिटेल्स के साथ एक क्लास देंगे कि ये चीज़ किस लिए, म्यूज़िक किस लिए है और किस तरह हम इसका इस्तेमाल करेंगे सही। और इसके बाद स्टिकर का ऑप्शन है, तो ये तो भी सिंपल है, आपने स्टिकर देखे होंगे, ये सारे स्टिकर्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा भी था कि हम इस तरह स्टिकर किस तरह लगाएंगे, तो मैंने उनको बोला भी था कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक क्लास बनाएंगे जिस पर आपको स्टिकर्स लगाने का तरीकाकार सिखाएंगे। तो ये देखें, जहाँ पे आपका मन चाहे वहाँ पे आप अपने स्टिकर जो है वो लगा सकते हैं, जितने भी आप चाहते हैं सही। और ये जो क्रॉस का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है ये वाला, इसके ज़रिए ये ख़त्म हो सकते हैं, यहाँ से एडिट हो, यहाँ से इसकी साइज़ जो है वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक। और ये वाला जो ऑप्शन है ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है सही। मतलब अगर आप इसकी मुंह इस तरफ करना चाहते हो तो भी ये वाला, और अगर आप इसकी मुंह इस तरफ करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं सही। और ये जो क्रॉस का निशान है यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ओके करें, इसको भी यहाँ से डिलीट करें, ठीक। यहाँ से टेक्स्ट का ऑप्शन है, तो टेक्स्ट तो भी आपको पता है, आप टेक्स्ट के बारे में भी इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, इसमें मज़ीद भी कुछ चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं हमारे पास सही। इसके बाद जो है टेक्स्ट का ऑप्शन एक और भी है तकरीबन, तो ये हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और इसके बाद ये फिल्टर्स का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, तो यहाँ से भी आप इसको एडिट कर सकते हैं सही।
एडजस्ट कर सकते हैं अपने आप से। सही, अगर आप लाइटिंग ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसकी लाइटिंग ज़्यादा कर सकते हैं। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे इस तरह। सही, और यहाँ से आप कंट्रास्ट जो है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। सही, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि वीडियो की पहली हालत कैसी है और अब देखिए अब पिछली हालत कैसी है। सही, आगे जो हमने एडिट की उसके बाद इसकी हालत कैसी हुई। और यहाँ से आपके पास बने बनाए हुए फिल्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप जो भी फिल्टर्स लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करें। तो ऊपर आप देख रहे होंगे कि वो है सारा ऑटोमेटिकली जो है वो आ चुके हैं जो भी फिल्टर्स हैं। यहाँ से ओरिजिनल करें और यहाँ से ओके करें। सही, और यहाँ से फिर ओपन करें। सही, इसके बाद जो है पिप का ऑप्शन मौजूद है। सही, अगर आप इसके आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जो ऊपर एक वीडियो होती है वीडियो चलती हैं और यहाँ एक मोबाइल के एक कोने में मतलब वीडियो के एक कोने में भी एक वीडियो चलती है। सही, जिस तरह के एक फेमस टिकटॉकर हैं और पनी वीडियोस वाला बंदा भी है, वो काला सा बंदा है, मैंने उसका नाम तो आता नहीं है लेकिन देखा है काफ़ी सा, तो उस जो है वो वहाँ पे उसकी वीडियोस चलती हैं जैसे कि सॉरी और पीछे जो कुछ हो रहा है तो वो वहाँ से बस सिर्फ इशारे करते रहते हैं कि ये देखिए ये क्या हो रहा है और आंखें पाड़ पाड़ के देखता रहता है, तो ये उस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। सही, पिप का यही मतलब है। इसके बाद जो है प्रीकट का ऑप्शन है। सही, अगर आप इस वीडियो से किसी जगह को काटना चाहते हैं तो यहाँ से आप कट सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। ये सारे जगह जो है जो आपको पसंद नहीं है तो यहाँ से आप वो जो है वो आप कर सकते हैं, स्प्लिट वगैरह का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी स्प्लिट का ऑप्शन है, मैंने आपको अभी बता दिया है। सही, कि स्प्लिट आप कर सकते हैं तो ये स्प्लिट का ऑप्शन। इसके बाद डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन भी आपको पता होगा। यहाँ पे बैकग्राउंड है, तो अब देखिए यहाँ पे ये बैकग्राउंड वाइट है। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की तरह बैकग्राउंड यहाँ पे आ जाए इस वाइट की जगह पे, तो यहाँ से आप ये चीज़ें जो है ये सिलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद आप देखें ब्लर, मुकम्मल वीडियो की ब्लर जो है वो आ चुकी है बैकग्राउंड। और यहाँ से फिर आप इसकी कलर्स, मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ से आप इसकी कलर्स को चेंज कर सकते हैं। सही, वीडियो को सेंटर पॉइंट पर रखें और यहाँ से आप मुख्तलिफ किस्म के बैकग्राउंड जो है वो आप ले सकते हैं, कलर्स आप पे डिपेंड करता है। यहाँ से आप ग्रेडियंट भी ले सकते हैं, ग्रेडियंट्स कलर भी मौजूद हैं, पैटर्न्स कलर भी मौजूद हैं, जो भी आपको पसंद है तो वो सारे कलर्स मौजूद हैं यहाँ पे। ठीक, और अगर आप बैकग्राउंड नहीं लेना चाहते तो इस पर क्लिक करें तो बैकग्राउंड ख़त्म हो जाएगा। सही, इसके बाद जो है स्पीड है, तो स्पीड पर भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट क्लास जो है वो स्लो मोशन पर होगा कि हम स्लो मोशन की वीडियो किस तरह बना सकते हैं, एक वीडियो में डबल स्लो मोशन कैसे बनाएंगे, सिर्फ स्लो मोशन कैसे बनाएंगे। तो हमारी पहली क्लास जो है इस एप्लीकेशन पे, हमारी दूसरी जो क्लास होगी वो स्लो मोशन पे होगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत रब्ता किया और स्लो मोशन की बहुत बात की। तो इंशाल्लाह हमारा अगला जो क्लास होगा वो स्लो मोशन पे हम बनाएंगे। यहाँ से वीडियो की साउंड जो है वो आप तेज़ कर सकते हैं। सही, और सही, यहाँ से आप वीडियो की साउंड जो है वो चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आप वॉइस पे इफेक्ट भी लगा सकते हैं। सही, ये वॉइस चेंजर है, तो यहाँ से आप, और यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन है, मतलब अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं है तो रिप्लेस पर क्लिक करें तो आप वापस गैलरी में चले जाएंगे और वहाँ से आप दूसरा कोई वीडियो जो है वो उठाएं। यहाँ डुप्लिकेट का ऑप्शन है, ये रिवर्स का ऑप्शन है। सही, तो लेकिन इस एक तिलावत है तो इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। इंशाल्लाह नेक्स्ट और तकरीबन
वीडियो रिवर्स करने का तरीका कार हमने काइन मास्टर पे सिखाया था, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ये रोटेट का ऑप्शन है और ये फ्लिप का ऑप्शन है, सही। अब देखें वो अब इस तरफ से शुरू हो रहा है, पहले इस तरफ से था और इसको करें तो अब दोबारा देखें दोबारा यहाँ से शुरू। ये प्रीज का ऑप्शन है, सही। ये देखिए यहाँ पे अब प्रीज हो चुकी है। ठीक, तो अगर आप किसी जगह में एक वीडियो पे साउंड जो है वो बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्रीज का ऑप्शन जो है वो आप जो है इस्तेमाल करेंगे, सही। तो और यहाँ से उसको अनडो करें। ऑप्शन जो है वो खत्म हो चुका है, सही। तो ये वीडियो के हवाले से हमारे पास कुछ ऑप्शंस थे, कुछ टूल्स थे जो हम पढ़ चुके हैं। और ये यहाँ से फोटोज वीडियोज अगर आप दोबारा कोई लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जो जो प्लस का ऑप्शन है यहाँ से आप ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की क्लास जो वीडियो के हवाले से थी तो मुफीद रही होगी। कल तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।